لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لنا رب سواه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين व सल्ल सैद ना मुहमद व आल तयबी ताहरीन अलह व फ़िक्लिमा तो हब्ब व तरदा वजालब उमोरना ख़ैरा मुकालमबी में जो सबसे पहली चीज़ हमेशा सिखाई जाती है किसी भी ज़बान में गालिबा वो अल्फ़ इसमें इशारे के होते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से कहें मुझे अरबी आती है तो फ़ौर आपसे पलट के पूछेगा कि अच्छा बताओ इस को क्या कहेंगे कि ये क्या है वो क्या है मामूला यही सवाल किया जाता है लिहाजा दर्स यहीं से इन शुरू किया जाएगा अरबी ज़बान में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है उनको मुशारन अलाही कहते हैं और जिन अलफाज की मदद से इंसान इशारा कर रहा है उनको इसमें इशारा यानी इशारा इशारत लफ्ज़ इशारत है लेकिन कहते हैं इशारा इसमुल इशारा कहते हैं इशारा यानी एक ऐसा इसम एक ऐसी लफ्ज़ जो इशारे को समझाए और इसमें इशारा किसी इलेह की तरफ इशारा करता है उर्दू में जिस तरह इस्तेमाल होता है कि ये किताब है वो गाड़ी है तो लफ्ज़ ये और लफ्ज़ वो ये दोनों उर्दू में इसमें इशारा हैं किताब और गाड़ी ये दोनों मशारु इलाही कहलाएंगे यानी जिसकी तरफ़ इशारा किया गया हो तो अरबी में ये क्या अल्फाज़ इस्तेमाल होते हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ सबसे पहले अरबी में इस बात को बयान कर दें कि इसमें इशारे की जो बहस है उसमें पहला जो लफ्ज़ है वो हाजा का है हाजा यानी ये हाजा ये अब इस हाजा के साथ मैं आपको आठ मिसालें दूंगा और आठ मिसालों में आपको आठ नए लफ्ज़ मालूम होंगे हो सकता है बाद इसमें से अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हों जो कि आपको फिर वो लफ्ज़ हिफ्ज़ करने में आसानी होगी कि आपको पहले से ही मालूम है मिसाल के तौर पर हाजा बैतन पूरा एक जुमला है हाजा यानी ये ये इसमें शारे हैं मुशारुन मशारुलई है मशारुलाई तो हाजा ये बैतुन यानी घर हाजा बैतुन ये घर है तो इस मिसाल में हाजा में आपको इसमें इशारा मालूम हो गया कि इसमें शारा हाजा आता है और बैतुन यानी घर लेकिन इसमें शारा ये जो है इस हादा इसकी अकसा में जो इन अनकरीब मैं इस जुमलों के बाद इन जुमलों के बाद बयान करूँगा तो पहला जुमला हादा ब ये घर है तो बैत नया लफ्ज़ हिफ़्स करने की ज़रूरत है इसको आप लिख लीजिए दूसरा जुमला हादा मस्जिद ये मस्जिद है मस्जिद उर्दू में भी कहते हैं तीसरा जुमला हादा बाबुन ये दरवाज़ा है चौथा जुमला हाजा किताबुन ये किताब है किताब भी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होती है हाजा कलम ये कलम है कलम भी उर्दू में इस्तेमाल होता है हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी या कुंजी है हाजा मक्तबन ये डेस्क है मेज़ है हादा सर ये बिस्तर है बेड कुर्सी कुर्सीयन ये कुर्सी है कुर्सी भी उर्दू में कुर्सी कहते हैं तो देखिए इन आठ जुमलों में आठ नए लफ्ज़ बयान किए गए और सब के अंदर हाजा की लफ्ज़ शामिल है हादा बैतुन ये घर है हादा बाबन ये दरवाज़ा है तो ये जुमले आपके सामने पेश किए तारीफ़ बयान हुई और इसके बाद इसकी मिसालें पेश की गईं अगली चीज़ ये है जो बहुत अहम वो ये कि इसमें इशारे की दो किस्में हैं अरबी ज़बान में कुछ इस इशारे ऐसे हैं जो वज़ किए गए हैं रखे गए हैं आम के लिए इन इसमें इशारे आम हैं सब को शामिल हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आएंगी और कुछ हैं जो ख़ास हैं आम इसलिए कहा जाता है कि ये इसम इशारा आम है यानी ये आक़िल और गैर आक़िल सोचने वाली मखलूक़त यानी इंसान या गैर आक़िल जो जानवर हैं जमादात हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन सब के लिए इस्तेमाल होते हैं ये इशारे तो ये इशारे आम हैं बाज़ इसम इशारे हैं जो ख़ास हैं यानी वो सिर्फ़ अक़िल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं तो पहले हम आम बयान करेंगे और फिर ख़ास सबसे पहले जो इसमें शारा आम हैं और ये इसमें इशारे जो अभी तक मैं बयान करने जा रहा हूँ उसके बाद मैं रुक के बयान करूँगा दूसरी किस्म कौन सी है इसमें भी तीन किस्में हैं इसमें इशारा जो आम है उसमें पहली किस्म है करीब की इसमें इशारा करीब यानी वो इसमें इशारा वो इशारे करने वाले नाम जैसे हाजा की मैंने मिसाल दी ये हाजा ये क़रीब के लिए इस्तेमाल होता है अगर आपका आपके करीब है ख़ुद मतकल बोलने वाले से करीब है तो ये इसमें आप इस्तेमाल कीजिएगा चाहे आकल के लिए हो चाहे गैर आकल के लिए हो पहला इसमे क्या है हाजा जिसके बारे में मैंने आपको आठ जुमले और आठ मिसालें पेश की हाजा यानी ये अब चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो इंसान हो या गैर इंसान हो आकेलो गैर आकेलो सब के लिए हाजा इस्तेमाल होता है मिसाल हाजा रजुन ये मर्द है हाजा किताबुन ये किताब है दोनों में हादा इस्तेमाल हुआ है और ये करीब के लिए है दूसरी बात ये हाजा जो करीब के लिए है जो आक़िल गर आक़िल के लिए है इसमें भी दो किस्में हैं अरबी में कुछ जैसे उर्दू में कहते हैं ये और वो ये और वो चाहे मुशा आपका मुजक्कर हो या मुन्नस हो नर हो या मादा हो सब के लिए आप ये और वो के लफ इस्तेमाल करेंगे ये क़रीब वो दूर के लिए अरबी में अलग अलग है क़रीब के लिए अलग अल्फाज हैं उन करीब में भी कुछ अल्फाज मुजक्कर के इशारे के लिए होते हैं कुछ मुअन्नस के इशारे के लिए होते हैं जैसे हाजा 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 अगर आपका मुशा मुजक्कर है उसके लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगर मुशाल आपका मुआनस है उसके लिए अलग लफ्ज़ है वो है हाजही तो हाजा रजुल ये मर्द है हाजा किताबुन ये किताब है इशारा है करीब का है और मुजक्र का है लेकिन अगर मुआनस हो तो कहेंगे हाजही बिंतुन ये लड़की है बिंतुन यानी बेंत लड़की है बिंतुन और बिन ताजही और ये कार है गाड़ी है यह हाद ही शजरतन ये दरख्त है दूसरी जो जो दूसरा इसमें इशारे की लफ्ज़ है और इसम है इशारे का वो है तस्निया के लिए तो ये मुज़क़्कर मुनस थे और एक थे अब मुज़क़्कर हैं लेकिन दो हैं कहेंगे हाजान हाजान या हाज़ान कहेंगे हाजान रजूलानी या हाज़ान रजूलानी ये दो मर्द हैं हादानी किताबानी ये दो किताबें हैं इसी तरह औरत के लिए भी दो लफ्ज़ हैं हातानी बिनतानी ये दो लड़कियां हैं और हातानी सैारतानी ये दो गाड़ियां हैं ये तस्निया और दो वाले इसम इशारे की तफसील से बहस सरफ व डहफ़ में इनशा आएगी वो आप वहाँ तफसील से पढ़िएगा यहाँ सिर्फ इशारे के तौर पर बयान किया है ज़्यादा काम हमको मुफ़रत के ऊपर करना है और जमा तो यहां के ऊपर तो यहाँ तक मालूम हुआ कि इसमें इशारा जो अभी तक आम इसमें इशारे गुफ्तु हो रही है वो भी आम में क़रीब इसमें इशारे को बयान किया जा रहा है उसमें कुछ मुज़क़्कर के हैं और कुछ मानस के हैं मुज़क़्कर के क़रीब के आम इसमें इशारे जैसे हाजा और मनस के करीब के आम इसम इशारे वो हैं हाजही चाहे वो अक़िल चाहे गैर अक़िल के लिए मुसल मैंने बयान कर दिया अब आई जम जमा के सीगा है इन जमा के लिए इसमें इसमें इशारा इस्तेमाल होता है जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा मुशार मौजूद हों और आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हों तो उस इशारे के लिए एक एक इस्म और नाम रखा गया है वो है हा उला हा उला हा उला रुकेंगे हम जाऊपर हा उला ये हाउला करीब का है मुज़क़्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है यहाँ पे हम लोग का हम लोग की जिम्मेदारी थोड़ी आसान हो गई कि एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है हाउला मुजक्कर और के लिए और ये इसमें शरा है आम है चाहे आक़िल का हो चाहे गैर आक़िल का हो तो कहेंगे हाउला उला रिजाल ये सब के सब मर्द और हा बना तुन ये सब की सब औरतें हाओलाई कुतबन ये सब की सब किताबें और हाओ उलाई सारन ये सब की सब गाड़ियाँ इसी तरह हादान की अमिन मिसाल दी और हाजा और हाजही की अब कुछ इसमें इशारे हैं जो आम हैं लेकिन करीब के लिए नहीं हैं बल्कि थोड़ा बीद है उसमें दूरी है यानी आप जो मुतकल हैं आप जो इशारा करना चाह रहे हैं उस मशार की तरफ वो आपसे दूर है अगर दूर हैं तो फिर उसके लिए ये देखेंगे अगर मुजक्कर हैं तो कहेंगे जाल जाल रजुल जाल किताबू जैसे सूरह बकरा की पहली आयत में जाल किताबू ला रही बाफ़ी ही किताब वो किताब वो मर्द आम है मुज़क़्कर आक़िल के लिए भी मैंने इस्तेमाल किया और ग़ैर आक़िल जो किताब है उसके लिए भी इस्तेमाल किया तो जालिक रजुलताब अगर ये मुजक्कर के लिए लेकिन अगर हमारा मुजक्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है तानीस है उसके अंदर अलामत तानीस पाई जाती है तो उस सूरत में तिल का तिलका इसमें शार इस्तेमाल होगा तिल का, तिल का वो एक लड़की है तिल का शज़रतुन वो दरख्त है क्योंकि शजरत में ते आ रहा है इसलिए मुनस है शिल का शजारत वो दरख्त है अच्छा अगर ये तो ये मुआनस है मुज़क़्कर है लेकिन एक हैं जालिका एक दूर मुज़क़्कर तिल का एक दूर मुनस लेकिन दूर है और ये जम हैं उसके लिए भी उलाइलाका हा उलाक हा की तरह मुज़क़्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है उला इक रिजाल उला इक बनातन उलाइ सैारा तुन तो ये हो गया इसमें में शार आम करीब के लिए और इसमें इसमशर आम बैद के लिए जिसके अंदर मुज़क़्कर मुन्नस दोनों थे एक चीज़ है वो है मुतवस्त यानी इसमें मशा ना बहुत क़रीब है ना आपसे बहुत दूर है बल्कि बीच और मुतवस्त दरमिया फ़ासला है उस सूरत में कहेंगे ज़ाक मुजक्कर के लिए ज़ा रजुल या जाकल किताब वो जो करीब में है इशारा कर रहे हैं करीब में है वो मर्द या वो किताब तो देखिए ये इसमें इशारे हैं अस्मा उल इशारा इसम की जमा असमा इशारों के नाम जो आम थे लेकिन कुछ इसमें इशारे हैं जो ख़ास हैं ख़ास मुरादी है कि सिर्फ़ गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल होंगे आक़िल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा मिसाल के तौर पर होना यानी यहाँ यहाँ पर यहाँ होना ये होना आकिल नहीं है गैर आकिल है और ये होना ख़ास है हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा क्यों क्योंकि गैर आक़िल से ही ख़ास किया गया है इसमें आकिल शामिल नहीं है होना जगह के लिए है होना दूसरा ये करीब मुतवस्त हो जाएगा होना क्या है थोड़ा दूर पर मुतवस्त होना क्या है और अगर बहुत दूर है और आप इशारा करना चाह रहे हैं उसकी तरफ हो जाएगा हुना है कै लाम आएगा होना होना क्या और हुना है। बहुत दूर के लिए तो ये है पूरा एक चार्ट आप बना सकते हैं जो मैं तोजहिया दी इसमें इशारे का खुलासा मैं फिर से बयान करूं कि इसमें इशारे की दो किस्में हैं इसमें इशारे यानी ऐसे नाम जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं अरबी जबान में उसकी दो किस्में हैं पहली किस्म आम दूसरी क़स्में ख़ास आम उसे कहेंगे जिसके अंदर मशा आक़िल भी होंगे ग़ैर आक़िल भी होंगे ख़ास इसमें इशारे वो हैं जिनके अंदर मशा सिर्फ़ र आक़िल हैं आक़िल और गैर आक़िल यानि आम इसमें इशारे में तीन कस्में आती हैं कुछ हैं जो करीब के लिए इशारे किए जाते हैं कुछ ऐसे इसमें शारे हैं जिससे मशा बहुत दूर है और एक है जिसमें मुशा मुतवसत दरमिया फ़ासले पर है जो क़रीब है उसके अंदर कुछ मुशा मुज़क़्कर होते हैं और कुछ मानस होते हैं तो मुजक्र ये लिए कहेंगे हादा चाहे आक़िल चाहे गैर आक़िल हादल किताब हादल रजुल या हादा रजुल हाद किताब यहब या, या मुजक्र का और कुछ हैं जो मुनस जैसे हाथ ही बिनत या हाथी सैरतुन उसमें मुसन्ना भी हमने मिसाल दी हादाने ने या हाता ने या तीसरी मिसाल हाउला जो बीद के लिए है लेकिन मुजक्र मुनस दोनों के लिए आता है हा उला रजाल हा دوسری दूसरी क़स्म है کی की जैसे رجل रजुल या जाकेजुल यानी वो जो करीब हैं मर्द हैं तीसरी मिसाल है बैद की जैसे ज़ा मुज़क़्कर के लिए तिल का बहुत दूर पे मुअन्नस के लिए तिल का सारतु और आखिरी लफ्ज़ है उलाए का जो रिजाल उलाए का रिजाल उलाए का बनात उन जो मुअन्नस दोनों के लिए आता है अब इसमें इशारे को जानने के बाद और आठ अदद जुमलों से आठ लफ्ज़ों को जानने के बाद अब हम ये जुमला बनाना सीखेंगे कि ये क्या है ये क्या है तो क्या है के लिए अरब में अरब ज़बान में एक लफ्ज़ रखी गई वो है मा मीम ज़बर मा मा यानि क्या आप वो कहना है ये क्या है जो करीब है मुज़क़्कर का है तो कहेंगे मा हाजा जो इसमें इशारे है और ये मुशाअल मुजक्कर है और करीब है मा माँ हाजा कहेंगे हाजा किताबन देखिए सवाल आपको मैं बयान कर रहा हूं मा हादा ये क्या है अब आठ जुमलों में आप जवाब दे सकते हैं हादा हाद हादा उन हादा कल हादा हाद हादा हाद हादा उन टेबल है हादा शरीर हादा हाद तो हादा कह के आपने जो कुर्सी मेज और बाब यानी दरवाज़ सब आपके करीब थे वो आपने बयान कर दिए जुमले में मा हाद हाज़ा किताबन और आखिर अगला सवाल आपको ये पूछना है क्या ये घर है क्या ये घर है इसके लिए कहेंगे सबसे पहले हमज़ाए इस्तेफाम लेकर आएंगे अ अ अलिफ़ बनाएंगे अलिफ़ के बाद छोटा सा हमज़ा इसको हमज़ा पढ़ेंगे अलिफ नहीं कहेंगे अरबी में इससे कहेंगे हमजाए इस्तफाम हमज इस्त्या यूँ इस्तेमाल होगा अहाजा बैतुन क्या ये घर है अहाजा किताबुन क्या ये किताब है अहाजा बाबुन क्या ये दरवाज़ा है अहाजा मिन क्या ये टेबल है मिन और मकतब एक ही मायने में इस्तेमाल होता है अलमकतब अलमिनदा मीम नून बौद यानी स्वाद जवाद वाला मिन बदह या कहेंगे हा अहादा अहादा बिन तुन क्या ये लड़की हैं तो देखिए अहादा कहकर जो भी लफ्ज़ लेकर आएंगे जो आठ मैंने जुमले बयान किए या एक दो और लफ्ज़ें आपको मालूम हो गई वो जब ला के रखेंगे लफ्ज़ तो जुमला ये बनेगा क्या ये फुला चीज़ है इस तरह आप जुमला बना सकते हैं तो हादा और फिर इशा इस इसम लेकर आइए अहादा फिर वो मुशा मुशा लेकर आइए तो आपका जुमला बनता चला जाएगा अब सवाल ये है कि आप कहेंगे बिन तुन क्या ये लड़की है आप जवाब दीजिए या तो नाम कहकर या नाम यानी हाँ जी ला यानी नहीं तो अगर वाकई लड़की है अहादा बिन तुन क्या ये लड़की है माजरत अहाज ही बिनतन क्या ये लड़की है तो जवाब अगर मुस्बत में है तो कहिए नाम हाज ही तुन अगर गलत जवाब गलत सवाल था यह लड़की नहीं थी तो कहिए ला हाजा इबन ये लड़का है तो इबन यानि लड़का बिंत यानी लड़की अहाजा कमीसों क्या कमीस है शर्ट है कहिए नहीं ला हाजा मकतबुन ये टेबल है शर्ट नहीं है तो इस तरह आप जुमले बनाइए प्रैक्टिस करिए इन्हीं अल्फाज जो नौ या दस मैंने अल्फाज बयान किए मैं फिर से तरजीब बयान कर रहा हूँ पहला सवाल यूँ बयान करिए हाजा ये क्या है और ख़ुद जवाब दीजिए हाद किताबुन हाथा मकतबों हाजा मसला कुर्सी या फिर आप सवाल कीजिए अहादा कुर्सी क्या ये कुर्सी है कहिए नाम हादा कुर्सी यून हाँ ये कुर्सी है या कहिए ला हादा बई तुन ये कुर्सी नहीं बल्कि ये घर है हादा बई तुन अब हमें पूछना है और इस बात का सवाल करना है सामने वाले से कि ये जो साहब यानी इंसान है वो कौन साहब हमारे सामने हैं ये जो हमारे सामने करीब में बैठे हैं हम कहेंगे मन हादा ये कौन है ये कौन है मन हादा जवाब हादा रजुलुन ये मर्द है या हादा आ, अभी ये मेरे बाबा हैं अगला सवाल और इसमें अब आपको नए लफ्ज दे रहे रजुलोन एक नया लफ्ज आ गया अभी मेरा बाप यानी अब यानी बाप तो ये भी नया लफ्ज़ है इसको लिख लीजिए आप लोग हमने सवाल किया मन हादा ये कौन साहब हैं जवाब हादा पबी बुन तो ऐसे हादा पबी बोन ये डॉक्टर हैं हादा वालिदन ये बाप हैं या हाजा अबुन ये बाप हैं हाजा तालिबन ये शागिर्द है स्टूडेंट है हाजा रजुलुन ये मर्द है तो इस तरह आप जवाब दे सकते हैं इन अल्फाज के जरिए से अब सवाल का अंदाज बदलेगा ये नहीं कहेंगे कि मन हाजा बल्कि ये पूछेंगे आहादा वलदुन वलदाजा वलदुन क्या ये लड़का है अहादा इबन क्या ये लड़का है सवाल अहाजा हमजे से होगा जिस तरह पहले अहादा से सवाल किया गया था तो पूछेंगे अहादा मोहंद ये नया लफ्ज है अहादा मोहंद क्या यह इंजीनियर है मुहंदिस इंजीनियर अहादा मोहंद जवाब ला हाद मुदर्र ये इंजीनियर नहीं बल्कि ये उस्ताद है दर्स देने वाला मदर्रस अहादा मुहंद ला हादा मदर्र अहादा मदर्र ला हादा ताजर ये मदरस हैं नहीं ये ताजर हैं तजारत करने वाले अब ये जानवरों के लिए जो आक़िल तो नहीं है लेकिन बहरहाल जिंदा मखलूक़ हैं चलती फिरती मखलूक़ हैं लिहाजा इनके लिए भी हम यूं इस्तेमाल करेंगे अहादा हिसान क्या ये घोड़ा है ला हादा जमलुन ये ऊट है ऊट जो नर है मर न, मादा नहीं बल्कि नर है मुज़क़्कर है अहादा हसान क्या ये घोड़ा है ला हादा जमलुन ये ऊँट है या जमल उन क्या ये जमल है ऊट है जवाब ला हादा दी कन दाल या काफ दीक यानि मुर्ग ये भी नर इसकी जो मादा होगी होगी दिजाज यानि मुर्गी हादा दीकुन, ये दीक है अहादा मंदी क्या ये रुमाल है अहादा मंदी क्या ये जो मेरे हाथ में है रुमाल है जवाब ला मिसा के तौर पर मिसा के तौर पर ला हादा नजमुन ये सितारा है तारा है स्टार है अहादा नजमुन क्या ये तारा है कहेंगे ना हादा नजमुन जी ये तारा है या मिसा के तौर पर अहादा खत्तन काफ़ और तोय अहा खत्तन क्या ये बिल्ली है यानी बिल्ला बिल्ली को कहें एक ता आ जाएगी मुअन्नस के लिए अहादा कितन क्या ये बिल्ला है कहेंगे ला हादा हेमारन ये गधा है हिमार यानि गधा तो इन जुमलों के अंदर आपको नए अलफ़ा सिखाए गए और ये बयान किया गया किस तरह आपको सवाल करना है अहादा कहकर या हादा कहकर जवाब देना है आपको अगला जो अगली जो बात बयान करना है वो क्या है वो भी इशारा है लेकिन ये करीब का नहीं है हादा या हाद ही नहीं है जो इन बाद में इसके ऊपर और भी गुफ्तु की जाएगी बल्कि वो जालिका से है जालिका दूर के लिए है जालिका दूर के लिए है क़बल इसके जालिका के, के बारे में बयान किया जाए यहाँ पर मुन्नस का इशारा बयान कर दूँ और इसकी मिसालें भी आपके सामने जिक्र कर दूँ देखिए जहाँ कहा गया था हाजा बैतुन हाजा रजुल वहाँ पर एक है हाजही ये मोनस के लिए होगा तो इसको यूँ पूछेंगे सवाल तरीक़ा बिल्कुल वही होगा अहाजा की जगह हो जाएगा अहाज ही तो अहाज ही सयारतुन, क्या ये कार है सयारतुन इस सयारतुन में आखिरी में ता आई है ये तामत ता तानीस है लिहाजा अब हाजा जो इशारा था करीब का वो मुजक्कर का था यहाँ पे क्योंकि मुशा अलमआनस है इसलिए इशारा करीब का हो जाएगा हाजही होगा हाजही सयारतुन सवाल करेंगे हाजही सयारतुन क्या ये गाड़ी है जवाब नाम हाजही सयारतुन ये गाड़ी है या दूसरा लफ्ज़ दूसरी लफ्ज़ हम पूछेंगे अब देखिए तोज़ीहात में मैं दोबारा ज्यादा तोज़ी नहीं दूंगा सवाल वही है जो मैंने मुजक्कर में किए थे लेकिन यहाँ पे मुनस के बारे में सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है सवाल ये है मा हा वही ये क्या है वहाँ पे था मा हाजा ये क्या है लेकिन मुज़क़्कर का था जो मुशा अलह मुजक्कर था मा हाजा वो मस किताब के बारे में वो क्या है तो जवाब हा दिताब यहाँ पर मुशा लिल मोनस है तो होद का माँ हा ये क्या है ये मा हाजही ये क्या है जवाब हाजही हकीबत हकीबत यानि बैग बस्ता हाजही हकीबत ये बैग है अगला अंदाज सवाल का ये है अहाही दर्राजत दर्राजत यानि साइकिल अहा ही, दर्राजतुन। दर्राजतुन ही क्या ये साइकिल है जवाब ला हाजही नाफीजत दाल दाल के साथ नाफी जतुन यानी खिड़की अर्राजत ला हावही नाफी जतुन नहीं ये खिड़की है अब मन और माँ के भी सवाल और जवाब जो हैं उसी तरतीब से यहाँ पर हम मुन्नस का जिक्र करने जा रहे हैं मुजक्कर का बयान कर दिया मन हाजही ये खातून कौन है हम कहेंगे हावही कबीबत वहां पे था मन हादा ये मर्द कौन है वहां जवाब था हादा कबीबन क्या है इस बहस में मोनस की कि मन हाजही ये कौन है औरत जवाब हाजही कबीबत ये डॉक्टर है जो खातून है माजही ये क्या है जो कि मोनस है जवाब हाजही मिल आका मिल आकातन यानी चमचा स्पून हाजही मेल आका इराक़ के अंदर महली जबान में इसको काशुका कहते हैं काशुक यानि काशुका तुन लेकिन फसी में मिल आका हाजही मिल या पूछेंगे माँ हाजही ये क्या है करीब के लिए मुअन्नस कहेंगे हाजही मिकवातुन मिकवात प्रेस स्त्री रुकेंगे तो कहेंगे मिकवा مكوات هذه مكوات وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين